फाइनली शिनचैन को मैंने स्कूल में छोड़ दिया है। आज तो यार मन खोल के सोने वाला हूँ। बहुत दिनों से यार मेरा पूरा बदन तंग कर रहा है, दर्द कर रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हड्डियां है मेरे शरीर में है ही नहीं। वो हड्डियां चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई आराम कर ले भाई आराम, और मैं हूँ कि आराम नहीं करता, क्योंकि आपको पता ही है शिनचैन और चॉप मुझे कितने परेशान करते रहते हैं। लेकिन आज नहीं, आज मैंने चॉप को उसके दोस्त चिंकी के पास भेज दिया है, और शिनचैन को तो स्कूल से छुटकारा मिलने से रहा। तो आज हम लोग क्या करेंगे? चॉप यहाँ पे क्या कर रहा है? भाई चॉप तू चिंकी के पास नहीं गया? मेरा और चिंकी का कोई नाता नहीं है, आज से दोस्ती खत्म। लेकिन क्यों भाई चॉप, क्या हो गया? आपको पता है चिंकी ने मुझे डॉगी कहा, मैं क्या डॉगी दिखता हूँ आपको? मैं चॉप हूँ चॉप, अब मैं किसी से नहीं बात करूंगा, मैं जा रहा हूँ। बाय द वे तू डॉगी ही है चॉप, आपने मुझे डॉगी कहा, अब मैं आपका बम काटूंगा। जा रहा हूँ, आज इसका मूड खराब है। चलो यार वैसे भी अपने को तो शांति चाहिए। लेकिन मैं काम भूल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक ट्री प्लांट किया था। ओहो ये रहा, पता नहीं मुझे इस ट्री से इतना लगाव क्यों हुआ है। ये ट्री यार शहर के बीचों बीच सीमेंट के रास्ते के बीच में मुरझा रहा था, मैंने वहाँ का सीमेंट निकाला और इसको घर में ला दिया। चलो देखता हूँ क्या हाल चाल है। गिर गया, कितना अच्छा लग रहा है। अगर पूरी की पूरी अर्थ एक जंगल में तब्दील हो जाए, जब इंसान जंगल में रहा करते थे, तो कितना अच्छा रहेगा। चलो यार ये तो सपना ही रहेगा, अब जाके सपने में चिल मारते हैं। अब करूंगा आराम, ना तो शिनचैन तंग करेगा ना तो चॉप। चलो गाइस सो जाते हैं। मेरी नींद पूरी हो गई। अरे ये क्या, मैं अभी भी सपनों में हूँ क्या? मैंने सपनों में जंगल में जाने का ठान लिया था क्या? ओ माय गॉड, मैं जंगल में ही नहीं हूँ, मैं एक ट्री भी बन चुका हूँ। ओ वाओ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। चलो अब सपने से जागते हैं। सपने से जागने के लिए मुझे अपना दीवार के ऊपर मत्था तोड़ना होगा। आउच, बहुत जोर से लगी। वेट अ सेकेंड, मुझे चोट लगी, मतलब ये सपना नहीं है, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? शिट। हाँ फ्रैंकलिन, ये कोई सपना नहीं है, तुम एक ट्री मैन बन चुके हो। अरे तुम कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने मैं ही हूँ। ओ माय गॉड, ये कौन है? तुम मुझे जानते हो, तुमने मुझे रोड से उठाया था सीमेंट का ब्लॉक तोड़ के, याद आया? लेकिन वेट अ सेकेंड, तुम बड़े कैसे हो गए? मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि मैं एक मामूली ट्री नहीं हूँ, मैं एक इच्छाधारी ट्री हूँ, और मैंने तुम्हें ट्री मैन की ताकत दे दी है। लेकिन क्यों, मुझे ये नहीं चाहिए, ये ताकत आप ही रखो, मैंने तो अपना फर्ज निभाया था। और मैं भी अपना फर्ज निभा रहा हूँ, थोड़ा ऊपर देखो। वेट अ सेकेंड, ये क्या बला है? ये एक ट्री मॉन्स्टर है, ये अब इंसानों की बस्ती को तबाह करने के लिए निकल पड़ा है। इसे नेचर ने आदेश दिया है, जाके सारे इंसानों को तबाह कर दो, और तुमने मेरी जान बचाई थी, तो इसका मतलब इंसान बुरे नहीं है। नेचर को गलत फहमी हो गई है, कुछ लोग नेचर का ध्यान नहीं रखते, पेड़ों को काटते हैं, पर्यावरण दूषित करते हैं, इसीलिए ये कदम नेचर ने लिया है। और मैं नहीं चाहता तुम फ्रैंकलिन इसके हाथों मारे जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्री मैन की ताकत दे दी है। जाओ शहर के लोगों को जागरूक करो, नेचर को दिखाओ कि तुम ही इस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हो, बुरे लोगों को खत्म करो जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके प्यारे ट्री, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मैं ये जरूर करूंगा। जल्दी करना, तुम्हारे पास बस आज रात का ही समय है, आज रात इंसानों की बस्ती तक ये ट्री मॉन्स्टर किसी भी हालत में पहुंच जाएगा, फिर इसे रोकना इम्पॉसिबल है। ऑल राइट, शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। चलो 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 चलो, अच्छा हुआ मैंने उस सीमेंट वाले पेड़ की हेल्प की, छोटा सा पौधा था लेकिन वो तो एक इच्छाधारी पेड़ निकला। चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ पे ट्री मैन तो बन चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मैं अच्छे काम कैसे करूँ, लोगों के अंदर पर्यावरण के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कैसे जागरूक करूँ। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो 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 यहाँ से चलते हैं। तुमने ये क्या कहा, हम जहाँ पे खेल रहे थे वहाँ पे गुंडों ने बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, अब मैं नेचर की फोटो कैसे निकालूंगी? शिट यार, कोई बात नहीं, अब ये तो होना ही है, इंसान नेचर को तबाह करेगा ही। वेट अ सेकंड, यहाँ पे तो एक बहुत ही अच्छा मनोरंजन का बगीचा हुआ करता था, ये इसी के बारे में बात कर रही है? ओह शिट, उन गुंडों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे यार यहाँ पे क्या कर दिया है, रातों रात पेड़ काट के यहाँ पे बिल्डिंग्स क्रिएट की गई। शिट ये कौन है? अरे बाप रे बाप, ये मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? ओ ये भी गवर्नमेंट की तरफ से आया है, हम पेड़ काट के रहेंगे, ये कुछ बचे कुचे भी लगता है पेड़ का कॉस्ट्यूम पहन के आया है। क्या कहा तुम, ऐसी की तैसी, अब तुम गए। हाँ
ये ले नमूनो, ये इसकी ऐसी कितने सी पेड़ काटोगे? ना तो मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ, मैं बस नेचर की तरफ से हूँ। नेचर तुम्हें बुला रही है, जाओ नमूनो, खत्म हो जाओ, पेड़ काटना मना है। भाई साहब क्या पहला इन लोगों को, गाय इन लोगों ने तो यहाँ पे पूरा का पूरा रास्ता और एम्यूजमेंट पार्क बना दिया। ये कोई जगह नहीं है भाई कॉन्क्रीट बिछाने की, पेड़ों की रखवाली करो, समझ में आया? पेड़ ही नेचर है और नेचर को तुम लोग नहीं खरीद सकते। एक और बचा हुआ है, इसको तो अभी अच्छे शब्द में बताना पड़ेगा। नहीं यहाँ पे तो तीन लोग है, ये ले। तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको मार के यहाँ पे कब्जा कर पाओगे? मैं यहाँ पे कोई कब्जा नहीं करने आया, मैं इस जगह को सुरक्षित करने आया हूँ तुम्हारे जैसे एंटी पर्यावरण लोगों से, समझ में आया? ये ले, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत खतरनाक ट्री मॉन्स्टर इंसानों की बस्ती को खत्म करने के लिए आ रहा है। अरे यहाँ पे एक बचा हुआ है, तेरी ऐसी की तैसी। ये ले, ऑल राइट, चलो इनको निपटा दिया है। लेकिन वेट अ सेकंड, ये क्या, इन लोगों को मैंने जैसे ही मारा मेरे अकाउंट में $10,000 आ गए है। तो गाइस इट्स टाइम टू अपग्रेड। ऑसम, ये वाला ट्री मैन तो बहुत ही अजीबोगरीब है। इसके पेड़ तो जड़ियों से बने हुए हैं और इसका मुंह पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पर्यावरण को बचाने के लिए एक कदम और एक उंगली बढ़ा सकते हो और अपने घर के बगीचे में एक छोटा सा पेड़ जरूर लगाना, भले वो छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन लगाना जरूर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो कुछ ना कुछ करते हैं इंसानों की बस्ती को बचाने के लिए। अब यार चलते चलते, ये किसका कॉल आ रहा है? टोनी स्टार्क, अब क्या हो गया? फ्रैंकलिन, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, हल बेकाब हो गया है। हम लोग हल के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसके अंदर एटॉमिक रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया और हल पागल होके पूरे शहर को तबाह कर रहा है और अब वो स्कूल के बगीचे में जाके तबाही मचा रहा है। तुम उसे रोकोगे? हाँ रोकूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे फ्रैंकलिन, उसके लिए मैं तुम्हें $50,000 दे देता हूँ, जल्दी कंप्लीट करो। ऑल राइट ठीक है, हल्के बच्चे, स्कूल के बगीचों को तबाह करने के लिए मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ, सजा है मौत। चलो गाइस, जोश में यहाँ पे तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे ना तो कोई हल्क दिख रहा है ना तो कोई तबाही दिख रही है। टोनी स्टार्क मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा था? तुम पेड़ चल कैसे सकते हो, मुझे पेड़ से नफरत है। क्या कहा? हल्क चलने वाले पेड़ हल्क को पसंद नहीं, हल्क तबाह करेगा। ओ तेरे की, हल्क ऐसा मत कर भाई 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 भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ। पेड़, हल्क को पेड़ पसंद नहीं, हल्क बचपन में पेड़ से गिरा था, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे गाइस मैं इन लोगों को पेड़ बचाओ के लिए जन जागृति करने आया था, लेकिन ये तो मेरी ही जान के लेने पे पड़ा हुआ है। अब बहुत हो गया, नेचर की ताकत तुम्हें बताएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो आजा, अब तू तो गया। ओह माय गॉड, एक ट्री चेनसॉ, मजा आ गया यार, इसे देख के तो यार हल्क तेरी तो फट जानी चाहिए। ये क्या, नहीं हल्क को छोड़ दे। हल्क तुझे बेहोश करने के लिए मुझे $50,000 टोनी स्टार्क दे रहा है, तो उसके लिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये ले। ये खा, अभी तक जिंदा है भाई, बेहोश हो जा, नहीं तो मुझे तुझे जानबूझ के मारना पड़ेगा। ऑलराइट, क्या निपट गया ये? अच्छा है, मुझे लगा ये बहुत ही मुश्किल रहेगा, लेकिन ये आसान था। और ये क्या, मेरे अकाउंट में $50,000 आ गए है। टोनी स्टार्क तुम्हारा हल्क वहीं पे पड़ा हुआ है। ओके फ्रैंकलिन, शुक्रिया। कोई ना, लेकिन मेरे लिए तुम तुम्हारे मेंशन के ऊपर ट्रीज लगाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं 100 ट्री अपने मेंशन के ऊपर लगाऊंगा, शुक्रिया फ्रैंकलिन। ओके, ये हो गई एक और जन जागृति, चलो विदाउट वेस्ट एनी टाइम अपग्रेड। ये वाला सूट तो बहुत ऑसम दिख रहा है। चलो यार, हम लोगों को पूरे इंसानियत को बचाना है। क्या करे, एक काम करता हूँ, यहाँ से एक गाड़ी चुरा लेता हूँ। हेलो, ये किसकी गाड़ी है? जिसकी भी गाड़ी है मैं वापस नहीं देने वाला। चलो चलते हैं। लेकिन चलने के लिए तो कहीं पे भी चल सकते हैं, लेकिन करें क्या, हम लोगों को पैसे चाहिए अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। कोई बात नहीं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। अरे यार, अब ये किसका कॉल आ रहा है? फ्रैंकलिन भैया, मैं डॉगी नहीं, चॉप हूँ। चॉप? हाँ, चॉप तू डॉगी नहीं है, चॉप है। गाइस इसको यार कमेंट में लिखो यार, चॉप चॉप ही है, चॉप डॉगी नहीं है। ठीक है, खुश हो गया, क्या काम है अब बोल। और यार मैंने आपके लिए एक रिंग फाइट का कॉम्पिटिशन सिलेक्ट किया है, वहाँ पे जाओ, $1,00,000 इनाम है, नाम रजिस्टर्ड हो चुका है फ्रैंकलिन भैया। चॉप के बच्चे, शुक्रिया यार। ओहो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चॉप ही हूँ। ठीक है, तू चॉप द डॉगी है। नहीं मैं चॉप हूँ। अच्छा वह कॉल कट कर दिया, चॉप दिमाग खाता रहता है। कोई बात नहीं गाइस, चलो चलते हैं रिंग कंपटीशन के लिए, लेट्स गो। शुक्रिया 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 तुम सब लोगों का, सबसे स्ट्रांग तो मैं ही हूँ।
हूँ एपुनेशन। कौन है मेरा अगला शिकार? अरे ये क्या, तुम हो मेरे अगले शिकार? हाँ सही कहा, मैं ही हूँ तुम्हारा अगला शिकार। गाइस यहाँ पे तो बहुत तादाद में भीड़ आ चुकी है और ये इतनी चिल्ला रही है। आई होप ये मेरे लिए नहीं चिल्ला रही है, उसके लिए चिल्ला रही है। लेकिन कोई बात नहीं, नेचर को बचाने के लिए इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग है और नेचर को भी खुशी होगी और वो इंसानियत को छोड़ देगा, एक और मौका मिल जाएगा। मैं तुझे जरूर हराऊंगा, आ जा। ओ तेरी की, आते ही पेलना चालू। अब बहुत मार से लिया इसका। ये क्या हो रहा है, नेचर चेंज? अरे 2 मिनट के लिए रुक जा, ये नेचर कैसे चेंज हो गया? भाई लगता है हमारा समय बहुत नजदीक है। तू तो गया नमूने, यहाँ पे पूरा शहर नहीं पूरी इंसानियत खतरे में और तुझे लड़ना है। हा हा। मेरे पास तो जादुई शक्तियाँ भी है। हु 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 हु। ये ले। ओ तू ऐसे नहीं मानेगा। ये खा अल्टीमेट पावर। वो क्या टोर्नेडो था, लेकिन अभी भी जिंदा है नमूने। ये रे नेचर की ताकत हमारे ऊपर है। हो गया, इसका काम तो निपट गया। ये नहीं हो सकता, मैंने कहा था मैं नेचर के लिए काम करता हूँ। मुझे नेचर को थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। कैसे रोकू? ओके अल्टीमेट पावर। चलो बारिश तो रुक गई। हाँ, और मेरे अकाउंट में तो पैसे भी आ गए हैं। विदाउट वेस्ट एनी टाइम अपग्रेड। चलो चलते हैं, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से बाद में। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोगों को ये धरती हवा देती है, उसके बदले में ना तो कोई पैसे ना तो कोई एंटरटेनमेंट मांगती है। समंदर हमें सुरक्षित रखता है, धरती के ऊपर हम लोग रहते हैं, ट्रीज की बदौलत हम जिंदा है, हमें खाना मिलता है। अगर वो मुफ्त में काम करते हैं हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पूरी दुनिया में पर्यावरण को सुरक्षित रखे। कौन इस मुहिम में मेरे साथ रहेगा? और हर एक घर में एक ट्री जरूर होना चाहिए। हु हु हु, क्या चिल्ला रहे हैं? इसका मतलब ये लोग मान गए, इन लोग मेरे से सहमत है। शुक्रिया सब लोगों का। भाषण दे के मेरा गला सूख रहा है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंसानों के लिए इतना तो चलता है। ये क्या यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक रैम चैलेंज है जिसका प्राइस पूल $5,00,000 है। ओ माय गॉड, और इसकी लोकेशन तो बहुत दूर भी नहीं है। चलो 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 चलो, ये गाड़ी किसकी है? हेलो, ये मेरी गाड़ी है, छोड़ दे प्लीज। मैं आपको ये गाड़ी वापस नहीं देने वाला। चलते हैं। कहाँ से जाना था याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, एक शॉर्टकट मारते हैं यहाँ से, जिससे हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गो। जिंदगी सवार दू, सबसे मैं प्यार दू, तुम जाओ यहाँ से रैम खेलने। सच्ची में आपको मेरा नाम रजिस्टर नहीं करवाना? बेवकूफ, नहीं करवाना। शुरू हो जाओ। 3, 2, 1 मैं चालू हो गई है। अरे भाई ये क्या उपाला है, ऐसी तो गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता, कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं। अबे वो टाइटन था क्या? सही कहा, आई एम द टाइटन, और इस मैच का विनर तो अपन ही रहेगा। वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मैं अपने लिए ही नहीं लड़ रहा, मुझे शहर को नहीं पूरे इंसानियत को बचाना है नमूने। वो भाई ब्रिज क्रॉस कर लिया, लेकिन इसने भी क्रॉस कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं भाई, तेरे से तो बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ मैं, बस तू देख लियो मैं क्या कर सकता हूँ। ये टाइटन से पहले गाइस मुझे जीतना होगा। पता नहीं ये टाइटन द मॉन्स्टर कहाँ से आके आए। कोई बात नहीं, हम लोग भी ट्री मैन है, किसी से डरती नहीं है। ऐसी बातें वो तो देखा जाएगा नमूने। हाँ हाँ हाँ, मैं इसीलिए तो तैयार हूँ, मैं अपनी पूरी ताकतों से इस शहर को नहीं पूरे इंसानियत को बचाऊंगा। चलो 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 चलो, हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? मुझे नहीं पता मैं हरा पाऊंगा या नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे जीतना होगा। अगर मैं नहीं जीता तो पूरी इंसानियत हार जाएगी। टाइटन हट जाओ मेरे बीच से। मैं टाइटन इसलिए नहीं हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। वो तो देखा जाएगा। चलो 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 गाइस, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोगों को इसको हराना है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा मेरे आगे किसे जा रहा है। ये मेरी गाड़ी अंडर कंट्रोल हो रही है। कोई बात नहीं, आपका भाई बहुत प्रो ड्राइवर है तो आराम से संभाल लेगा। चलो यही मौका है। वो अरे 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 नहीं 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 नहीं, वो बच गई बच गई। ओ, अच्छा हो गया, मुझे तो लगा मैं टपक गया, आराम से कूद गया। ये तो मुझसे आगे जा रहा है। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तू ऐसे नहीं जीतेगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करके इसे हरा नहीं होगा। चलो चलते आराम से, आराम से, यही मौका है। वो
वो ये क्या था? ये तो एक खतरनाक सा बूस्टर था। लगता है ट्री मैन की शक्तियाँ मेरे साथ है। चलो गाइस, यही मौका है जीतने का। लेकिन वेट, ये कैसे मेरे आगे जीत गया? कोई बात नहीं, मैं जरूर जीतूंगा। तुम नहीं जीतोगे, मैं ही जीतूंगा, तुम बस देखो। अरे मेरी गाड़ी चुरा ली, कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है गाइस। हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम लोग सीधा इससे आगे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो 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 चलो, हम लोग पूरा घूम के जाएंगे, इसका मतलब टाइम बचाएंगे। ये तो चीटिंग है, जंग में और खेल में सब कुछ जाए ऐसे बेवकूफ। ओह माय गॉड, मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं था। फाइनली हम लोग जीत गए। दिमाग लगाया करो कभी पगबी टाइटर। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिलूंगा तुमसे, मेरे पैसे चले गए, बाय बाय। अरे रुक तो जाओ, मिल के तो जाओ ट्री मैन से। और हाँ, एक ट्री लगा देना। सही कहा, लगा दूंगा। ऑलराइट, चलो गाइस, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं $5,00,000 विदाउट वेस्ट एनी टाइम अपग्रेड। ओह वाओ, एक मुच्छर ट्री मैन। भाई इसकी मूंछ और इसकी दाढ़ी तो मुझे बहुत ऑसम लगी। आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वाला ट्री मैन कैसे लगा। उससे पहले हम लोगों को शहर को बचाना है, जल्दी 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 जल्दी। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। ये क्या, ये किसकी आवाज है? मैं ट्री मैन जिसने तुम्हें बनाया। अरे हाँ बोलो ट्री मैन, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? वो ट्री मॉन्स्टर शहर में पहुंच चुका है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। लेकिन तुम्हारे शहर का एक विलन पूरे जंगल को आग लगा के वहाँ पे बिल्डिंग प्लान करने की सोच रहा है और वो बिल्डर का साथ दे रहा है। तुम्हें उसे रोकना होगा। अगर वो हजारों ट्रीज जल गए तो मुझे नहीं लगता कि ट्री मॉन्स्टर तुम इंसानियत को बचा पाएगा, वो खत्म कर देगा तुम सबको। ओके, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। उस विलन की तो मैं ऐसी कर दूंगा। चलो 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 चलो। मुझे इस पूरे के पूरे ट्रीज को जलाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा लावा टाइटन के लिए। ये बाएं हाथ का खेल है, चलो आग लगाते हैं। रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? अब तुम कौन हो? नाम तो सुना होगा, ट्री मैन, ट्रीज की रखवाली करने वाला। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। मुझे करोड़ रुपए मिलने वाले है, मैं ये करूंगा। तो मुझे तुम्हें मारना होगा, आ जाओ। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इससे पहले मैं तेरे ऊपर हमला कर दूंगा। ओ तेरे की, बाप रे बाप, छोड़ूंगा नहीं इसे। कहाँ पे चला गया नमूने? ये ले, ये खा। तुम मुझे नहीं मार सकते, ये क्या, तुम खुद आग लगा रहे हो। वेट अ सेकंड, ये आग लगा रहे। शिट 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 शिट, तेरी ऐसी की जैसी। ये ले, ये खा। अल्टीमेट स्मैश। ये क्या कर रहा है गाइस, ये आग क्यों लगा रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ ना कुछ करके इससे दूर रहना होगा, इसे रस्ते पे लेके मारना होगा, नहीं तो ये पूरे के पूरे हजारों ट्रीज को जला के राख कर देगा। मैं तो ये करके रहूंगा, रोक सके तो रोक लो। अब बहुत हो गया, अब मेरे दिमाग से तुम्हारा नाम और निशान मिटाने का सपना पूरा हो जाएगा। ये ले, कहाँ पे भाग रहा है, इधर आ जा। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, ये का, ये ले। फाइनल पंच। ये क्या, अगर तुम ट्री को तबाह करोगे मुझे तुम्हें तबाह करना होगा। ये ले, ये क्या हो रहा है? मैंने बचा लिया, मैंने लाखों ट्रीज को बचा लिया। आग लगी तो नहीं है यहाँ पे? नहीं लगी हुई है। ये थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आपके भाई ने कर दिखाया। अब ये किसका कॉल आ रहा है? शिनचैन स्कूल से छूट गया। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं छूट गया हूँ, लेकिन ये क्या, शहर में ये बड़ा सा ट्री मॉन्स्टर कहाँ से आ गया है? क्या कहा, वो पहुँच गया? अरे हाँ वही तो, और वो तबाही मचाने ही वाला है। प्लीज कुछ करो फ्रैंकलिन भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिट 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 शिट, इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? और ये क्या, मेरे अकाउंट में $1,000,000 है। लगता है उसको मारने से मुझे पैसे मिले हैं। कोई बात नहीं, इट्स टाइम टू अपग्रेड। हो हो हो, ऑसम, ये वाला सूट तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उसके लिए हमें काम करना होगा, बहुत तेजी से जाना होगा। चलो 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 चलो, इट्स टाइम टू सेव अवर अर्थ। चलो, आ रहा हूँ मैं ट्री मॉन्स्टर। मेरे शहर के लोगों को कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें ऐसा करने का कोई भी मौका नहीं दूंगा। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओह माय गॉड गाइस, लगता है हमें बहुत देर हो चुकी है, ये पहुंच गया यहाँ पे, अब ये पूरे शहर को तबाह करेगा। सारे इंसानों, तुम लोगों ने नेचर को तबाह करके बहुत बड़ी गलती की है, अब उसके लिए तुम्हें मैं सजा दूंगा।
सजाए मौत और मरने के लिए तैयार। मैं नेचर की तरफ से आया हूँ तुम सबको खत्म करने के लिए। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? एक काम करता हूँ, बात करके देखता हूँ। रुक जाओ, तुम कौन हो? मैं एक ट्री मैन हूँ। ट्री मैन होने के नाते मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे अब इंसान नहीं रहे, इंसान बदलने लगे है। तुम ये कैसे बोल सकती हो? तुम शहर के आजू बाजू में देखो, हर एक बिल्डिंग के बाहर 3 से 4 ट्रीज तुम्हें जरूर मिलेंगे। कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे ट्री ना हो। हम इंसानों ने ट्रीज को कंट्रोल कर लिया है, उन्हें उगाना चालू किया है, उनसे प्यार बढ़ा लिया है। तुम जिस इंसानों की बात कर रहे हो वो इंसान कब के मर चुके हैं। अब ये नई इंसान की सोच है पर्यावरण से जुड़ने की, तो प्लीज ऐसा मत करो। तीर कमान से निकल चुका है, अब ये तबाह होके रहेगा। अरे यार, ये तो मेरी बात नहीं मान रहा है, क्या करूँ? फ्रैंकलिन, तुमने इंसानों को जागरूक तो किया है ना, पूरे दिल से? हाँ मैंने किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्रीज भी लगाए हैं और नेचर से नजदीकी बढ़ाई है। तो चिंता मत करो, दिल पे हाथ लगो और इस पे वार करो। अगर सच्चाई रहेगी तो ये मरेगा, नहीं तो तुम। ओके ट्री, तुम मुझे मिले थे कंक्रीट के अंदर, और कंक्रीट का एक छोटा सा पौधा शहर को बचाने के लिए मुझे इतनी ताकत देगा, ऐसा लगा नहीं था। शुक्रिया, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। फ्रैंकलिन, सपनों में मैं तुम्हारे आते रहूंगा। शुक्रिया कंक्रीट वाले ट्री, नाम तो बढ़िया है, खत्म करो इससे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंसान। मैंने कब कहा मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला हूँ, सब कुछ तबाह करने वाला हूँ। ये ले। ये नहीं हो सकता, सारे के सारे इंसान मेरे साथ हैं। ये क्या, ये कहाँ पे चला गया? फ्रैंकलिन, वो हार गया, इंसान जीत गए तुम्हारी बदौलत। शुक्रिया, चलो मिलता हूँ बाद में। कॉन्क्रीट ट्री, प्लीज मुझसे मिलके जाओ। नहीं, ओ तेरी की, ये क्या हमेशा की तरह नॉर्मल हो गया। कोई बात नहीं, वो कॉन्क्रीट ट्री तो मुझे बहुत पसंद आया। आप लोग भी गाइस एक ट्री जरूर लगाना अपनी लाइफ में और उसका ख्याल जरूर रखना। आपको आज के वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे और अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।